बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसमें हमको क्या करना रहता है, कोई हमको संख्या दी गई रहती है, ठीक है, न्यूमरेटर में, और उसको हमको डिवाइड करना रहता है किसी भी अंक से या किसी संख्या से, ठीक है, और हमको पता करना रहता है कि शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो शेषफल हमको कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और बहुत ही आसान विधि मैं आपको बताऊंगा। 2 से 3 सेकेंड या मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको SSC CGL का कोई भी क्वेश्चन हुआ, या रेलवे का क्वेश्चन हुआ, या बैंक का हुआ, या आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर, आपका कैलकुलेशन भी आपका अगर तेज हुआ तो 5 सेकेंड के अंदर आप उसको बहुत जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट किसे कहते हैं। देखिए डिजिट जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके डिजिट होते हैं, ठीक है। 10 क्या होते हैं, 10 जो हैं डिजिट हैं, आपके अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर के आपकी संख्याएं बनती हैं, ये आपको पता होगा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ तक आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो आपको इतनी जानकारी होगी, आई होप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि संख्याएँ क्या होती हैं। तो जब डिजिट से संख्याएँ बन जाती हैं, ठीक है, तो संख्याओं में जब हम किसी भी संख्या से या किसी भी अंक से, डिजिट से जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर वही आएगा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आएगा रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि अगर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं अगर उससे संख्या बड़ी आती शेषफल तो उसमें भाग चला जाता, इतना तो सबको नॉलेज होगा। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो इस सब कॉन्सेप्ट को हम लोग याद करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए बात आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 37 के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, 37 में अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें, सबसे पहले हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग पता कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर, जैसे कोई भी अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर जैसे x अपान y, तो इसमें तो सबको पता होगा कि ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर जो होता है अगर उसमें किसी भी संख्या से भाग देनी है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हर में दी गई जो संख्या है, अंश में दी हुई संख्या के आसपास की कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें जो हर दिया है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे 37/9 है, 37/9, तो 37 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 37 के पहले 36 आता है जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 9 चौका 36, और 37 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45। 37 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 45, और उसके 37 के पहले तो आप कहेंगे 36, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हमको ये पता करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा 37 में डिवाइड करने पर। तो आप देखेंगे इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो रिमाइंडर माइनस में भी आएगा, एक रिमाइंडर जो है प्लस में भी आएगा, ठीक है। तो एक अगर हमको पता चल जाए, पॉजिटिव वाला पता चल जाएगा तो हम लोग माइनस वाला निकाल सकते हैं, और माइनस वाला पता चल जाए तो प्लस वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जैसे अभी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कम से कम 20-25 क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सारे प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। जैसे 37 में 9 से हमने डिवाइड किया तो हमको पता करना है रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो इसके दो पहलू हो सकते हैं, 37 के पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे 36, ठीक है, 9 चौका 36। 37 के बाद आप देखेंगे कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे 45, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 37 से 36 कितना कम है, तो एक कम है, इसका मतलब रिमाइंडर प्लस में 1 होगा। 36 में 1 जोड़ने पर 37 आ जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक है। 45 आप देखेंगे कि 37 से कितना अधिक है,
तो कितना अधिक है, 8 अधिक है, ठीक है। 37 में 8 जोड़ने पर 45 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, -8, ठीक है। इसका मतलब एक तो हमको रिमाइंडर पता चला, एक हमको रिमाइंडर पता चला कितना, प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि 9 चौका 36 और एक रिमाइंडर बचा, उसके बाद 37 हुआ। और एक जब हमने 45 एक संख्या ली थी 37 से बड़ा, तो हमको रिमाइंडर पता चला माइनस का 8। अगर हमने एक पता कर लिया है प्लस वाला कि प्लस 1 एक रिमाइंडर है, और हमसे ऑप्शन में प्लस 1 नहीं दिया है, माइनस वाला दिया है, तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं 9, ठीक है, तो 9 में से एक घटा करके, प्लस वाला घटा करके 8 हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हमको एक पता चल जाए, जैसे एक हमको पता चल गया कि प्लस 1 है रिमाइंडर, तो उसके बाद हम 9 में से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें से एक घटा कर हमको माइनस वाला 8 पता चल जाएगा। तो ऑप्शन में अगर आपको प्लस वाला दिया हुआ है तो आप प्लस 1 का ऑप्शन टिक करेंगे, अगर आपको माइनस में ऑप्शन दिया हुआ है शेषफल कितना आएगा, तो आप उसमें से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से प्लस वाला घटा करके आप माइनस वाला भी निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप और लेता हूँ, ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यह है कि 35 × 71 / 8, मतलब कि 35 × 71 / 8 से आपसे क्या करना है, डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, अलग अलग इसको डिवाइड करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि 35 में 71 का पूरा मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद 8 से डिवाइड करें, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 8 से 35 में जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 8 × 32, तो रिमाइंडर कितना हुआ, प्लस का 3 और इनटू, उसके बाद आप देखेंगे कि 8 से जब 72 में डिवाइड करेंगे तो 8 × 9 = 72 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 9 = 72 हो जाएगा, तो उससे माइनस का 1 जो है, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि 72 पूरी तरह से कट जाएगा तो एक जोड़ने पर आएगा 72, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। तो अगर आप प्लस का निकालना चाहते हैं रिमाइंडर, तो 8 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आप लिख सकते हैं, उसको भी मैं अभी बताऊंगा। तो एक रिमाइंडर तो आपका यह आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3/8, तो मतलब कि 8 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 3/8, मतलब कि 8 में से आप 3 घटा देंगे, मतलब कि कितना आ जाएगा आपका, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा मान लीजिए यह ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे, तब एक तरीका यह होगा 35 के बाद आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 40, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है, तो 40 जो है वह पूरी तरीके से 8 से कट जाएगा, और जब 40 से 8 से भाग देंगे तो 8 × 5 = 40 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 35 जो है 40 से कितना कम है, तो 5 कम है, इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 5 और मल्टीप्लाई, ठीक है। 71 जो है, 71 से पहले आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी तरीके से कट जाए, तो 71 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 8 × 64 64 ऐसी संख्या है जो 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी, और 64 में ऐसा क्या जोड़ें कि 71 आ जाए, तो 64 में क्या जोड़ने पर 71 आएगा, तो आप कहेंगे 7 जोड़ने पर, ठीक है, तो इसका मतलब 7 जो है रिमाइंडर आएगा, प्लस का 7, तो एक रिमाइंडर तो यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं रिमाइंडर के, क्योंकि प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा आप वैसे टिक करेंगे। तो यह हो गया 7 × 5 = 35, माइनस का 35/8, ठीक है, और जब माइनस में 35/8 है तो फिर आप इसको भी करेंगे, तो जब 35 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 32 हुआ, ठीक है, 8 × 32 माइनस का 3 हुआ और 8 हुआ, माइनस का 32/8, और जब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो एक रिमाइंडर तो 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप चारों निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 35 प्लस 39 और अपान में 8, इसमें हमको रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमसे पता करना है, तो देखिए 35 में हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 चौका 32 हो गया, रिमाइंडर कितना आया प्लस का 3 और प्लस 39 में अगर 8 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, माइनस का 1 लिख लिया, और अपान में 8, प्लस का 3 माइनस का 1 कितना गया, माइनस का 2 अपान में 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, एक रिमाइंडर तो प्लस का 6 आएगा। एक रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगली बात करेंगे, तो 8 चौका 32 और 3 35, प्लस का 3 और 8 चौका 32, 32 में क्या जोड़ेंगे कि 39 आ जाए, तो आप कहेंगे 7, ठीक है, तो 7, एक तो 7 आ गया और अपान में 8, ठीक है। अब इसको आप जब देखेंगे तो 7 × 3 = 10 अपान में 8, और जब 8 × 1 = 8 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो एक रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो आप एक प्लस में भी निकाल सकते हैं, एक माइनस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि चौथा जो क्वेश्चन है उसी तरीके से है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं उसी बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, 35 × 173 × 1748 और × 1749 × 1753 और अपान में 17, सब में क्या करना है 17 से भाग करना है और बताना है कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यह मैं बता दूं कि जब रिमाइंडर की बात आती है तो हमको यह देखना रहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 34 + 1 और अपान में 17, तो 17 से 34 तो पूरी तरीके से कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, एक कितना गया रिमाइंडर, तो इसमें तो रिमाइंडर कितना बचा, पहले वाले में जो 35 लिखा है उसमें प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। 173 को आप क्या लिख सकते हैं, 170 + 3 और 170 जो है 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, 17 × 10 = 170, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1748 को 1700 और प्लस 48 लिख सकते हैं, तो 1700 जो है 17 से पूरी तरीके से कट जाएगा, सब में 17 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसीलिए 17 से 1700 कट जाएगा, बचा कितना 48, और जब 48 में 17 से भाग करेंगे तो 48 में जब 17 से भाग करेंगे तो 17 × 34 17 × 51 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब कि माइनस का 3, ठीक है, और इनटू उसके बाद 1749 है तो यह कितना है माइनस का दो, क्योंकि 2 ज़्यादा है, ठीक है, 17 × 51 होता है तो 49 × 2 = 51 माइनस का 2। उसके बाद 1753 जब करेंगे तो 17 × 51 होता है, ठीक है, 51 और 2 = 53, मतलब कि 2 रिमाइंडर बचा। अब जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 प्लस का 3, ठीक है, और 3 × 6 प्लस का 6 और इनटू और 3 × 6 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 मिलके कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 36 और अपान में जब 17 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 17 × 34 दो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, 17 × 34 होता है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, 1397 × 1987 × 39 × 97, इसमें आपको 5 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए बात करते हैं, इसमें 1397 को आप क्या लिख सकते हैं, 1397 को आप लिख सकते हैं 1390 + 7 और यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लास्ट में 0 और लास्ट में 5 हो, लास्ट में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाती है। तो इसका मतलब 1390 और प्लस 7 जब हम लिखेंगे 1397 को, ठीक है, तो 1390 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा और जब 7 में हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसमें तो आपका कितना आ गया रिमाइंडर 2, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 1987 को हम 1995
87 को हम 1985 और प्लस 2 लिख सकते हैं, और 1985 पूरी तरीके से 5 से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो यहाँ भी 2 बच गया, ठीक है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और 35 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप प्लस वाला रिमाइंडर चाहते हैं तो प्लस वाला लिखिए, माइनस वाला चाहते हैं तो माइनस वाला लिखिए, मैं माइनस वाला लूँगा, ठीक है। तो 40 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा और माइनस 1 का रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 97 को अगर आप लेंगे, ठीक है, 97 को, तो 97 को जब आप लेंगे तो 95 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 95 पूरी तरीके से कट जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, 1995 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और जब इन सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 एकन्नम 4, माइनस का 4 और 4 दूना 8, ठीक है, माइनस का 8 अपान में 5 हो गया, ठीक है। और जब 5 से 8 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, माइनस का 3। और जब माइनस का है तो आपको एक तो यह भी आंसर हो गया कि माइनस का 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में माइनस का 3 नहीं है, मान लीजिए माइनस का 3 ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप 5 में से 3 को घटा लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 5 में से आप 3 घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए -1 है, ठीक है, किसी भी माइनस संख्या पर अगर कोई भी ऑड संख्या का पावर हो, जैसे -1 के पावर 3, ठीक है, तो वह जो संख्या आएगी कुछ भी हो, वो संख्या तो कुछ ना कुछ आएगी ही, जैसे -1 के पावर 3 है तो यह तो 1 ही आएगा, 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, लेकिन जब अंक उसके आगे साइन की बात आएगी, चिन्ह कौन सा लगेगा, तो अगर माइनस के पावर, ठीक है, माइनस के पावर, माइनस चिन्ह के पावर में अगर कोई ऑड संख्या है तो हमेशा वो क्या होगा, माइनस होगा, और अगर माइनस के पावर हमेशा इवन नंबर अगर पावर है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि माइनस के पावर अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 के पावर है, ठीक है, तो वह हमेशा जो संख्या आएगी वो तो आएगी ही, लेकिन उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, क्योंकि ऑड नंबर का पावर है, ठीक है, 7 क्या है, ऑड संख्या है, लेकिन अगर साइन अगर इवन हो पावर में तो वो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है, 6 हो अगर मान लीजिए तो संख्या क्या होगा, उसके आगे हमेशा प्लस साइन रहेगा। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ही 8वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग बहुत ही आराम से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आपको 1 नंबर इससे आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे 37 के पावर 39 अपान में 9 है, तो आप 37 के पावर 39 जब देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 37 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 1 लिख सकते हैं, और अपान में 9, और अपान इसके सबके पावर 9 के पावर नहीं 36 प्लस 1 के पावर आप क्या लिख सकते हैं, 39, 36 जो है 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा, बचा क्या, 1, ठीक है। अब 1 जो बचा है, ठीक है, 1 जो बचा है 1 के पावर 39 अपान में 9, अब 1 के पावर 39 है मतलब प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 के पावर 39, प्लस के पावर कुछ भी रहे वो हमेशा प्लस में ही रहता है, तो प्लस 1 के पावर 39 मतलब 1 के पावर 9, 1 के पावर 39 मतलब 1 अपान में 9, और जब 1 अपान 9 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ऊपर वाली संख्या, क्योंकि वो छोटी है 9 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, उसमें पूछा हुआ है 2 के पावर 33 अपान में 9। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको यह करना रहता है कि जो संख्या दी हुई है, ठीक है, उसको जिससे हमको भाग देना है उसके आसपास बनाना रहता है। डिनोमिनेटर में अगर 9 है तो इसके आसपास की संख्या क्या हो जाएगी, 8, इससे एक छोटी,
और 9 से एक बड़ी क्या हो गई, 10, मतलब उससे एक छोटी और उससे एक बड़ी संख्या हमको ऊपर बनानी रहती है जिससे कि वो कट जाए पूरी तरीके से। जैसे बड़े आराम से इसको एक क्वेश्चन आराम से आप समझ लीजिए तो पूरी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा समझ में। जैसे आराम से इसको समझिएगा, जैसे 2 के पावर 33 अपान में 9 है, तो 9 से एक छोटी संख्या 8 हो गई और 9 से एक बड़ी संख्या 10 हो गई, ठीक है। अब ऊपर क्या है, 2 के पावर 33 है, तो 2 के पावर 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 11। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 के पावर 3 जो है ये 8 बन जाएगा, ठीक है, और 8 ही हमको बनाना है। ऊपर जो है हमको नीचे वाले का एक कम 8 हुआ और नीचे वाले का एक बड़ा 10 हो गया, तो ऊपर भी हमको 8 या फिर 10 बनाना रहता है, ठीक है, या फिर उसी के आसपास बनाना रहता है, डिनोमिनेटर के आसपास ही बनाना रहता है। तो ऊपर देखिए ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि 8 बन गया, और 8 जब बन गया तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8 के पावर 11 लिख सकते हैं, और जब 8 के पावर 11 लिख देंगे और अपान में 9, तो आप देखेंगे कि 8 में जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। क्यों, क्योंकि 9 जो है 8 से कितना कम है, 1, तो -1 रिमाइंडर बच गया। और माइनस के पावर मैंने अभी बताया था कि जब -1 के पावर कोई भी ऑड संख्या हो, 11 क्या है, ऑड है, तो वह कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो -1/9 हो गया, और -1/9 है, तो एक तो आपका आंसर हो जाएगा कि -1 क्या हो गया, रिमाइंडर, एक तो यह आंसर हो गया -1, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में -1 नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। प्लस में अगर आंसर दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा, और माइनस में दिया हुआ है तो -1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़े आराम से धैर्य बना के रखे रहिए, बड़ी आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 के पावर 35 अपान में 9 है, 2 के पावर 35 अपान में 9 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो 9 है उसके आसपास ऊपर हम लोग कोई संख्या बनाएंगे, तो 9 के आसपास आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 7 मिलेगा, यही सब संख्याएं मिलेंगी। तो 2 के पावर को हम 8 बना सकते हैं, 2 के पावर 33 और इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 2 के पावर 35 को, क्योंकि घात जो है आपस में जुड़ जाता है, तो 2 के पावर 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 33 इंटू 2 के पावर 2, तो यह मिलके 2 के पावर 35 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको ऊपर 8 बनाना है या फिर 10 बनाना है, पावर कुछ भी रहे, पावर तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 के पावर 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 11, 33 को 3 × 11 लिख सकते हैं, और इंटू 2 के पावर 2 तो पहले से ही है, उसको हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो 2 के पावर जो 3 है वो फिर से क्या हो गया, 8, ठीक है। 2 के पावर 3 क्या हो गया, 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 × 2 = 4 × 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, और 8 की पावर 11 और 2 × 2 = 4, मतलब 4 और अपान में 9। और जब 8 की पावर 11 है, 8 की पावर 11, तो 8 में जब हम 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और इसके पावर 11 है, और इंटू 4 में जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है 9 से छोटा है, तो हम रिमाइंडर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, और -1 के पावर 11 इसमें 9 से हमको भाग देना है पूरे में, ठीक है। -1 के पावर 11 मैंने अभी बताया था कि जब कोई ऑड संख्या पावर में हो और यहाँ पर माइनस हो, और उस माइनस के पावर अगर कोई ऑड संख्या हो तो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस में हो गया तो -1 और इंटू 4 अपान में क्या हो गया, 9, तो ये हो गया तुम्हारा -4/9, ठीक है। -4/9 का मतलब क्या हो गया कि एक तो आपका रिमाइंडर चाहे तो -4 लिख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में -4 नहीं दिया है तो आप 9 में से 4 घटा लीजिए तो एक आपका आंसर +5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतर करके हम पॉजिटिव संख्या ही लिखते हैं रिमाइंडर में,
ठीक है, पॉजिटिव संख्या ही लिखते हैं, इसीलिए आपका प्लस का 5 आंसर आया है, लेकिन आप चाहें तो माइनस का 4 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में आएगा वैसा हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसको, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, आराम से धैर्य से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी पर और एक बेस्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन मैंने एक ही तरीके के लिए हुए हैं जिससे बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएं आपको और एक कभी भूले नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछा जाता है, मेंस में और भी आसान आसान से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, और वह आपके लिए बोनस होता है। ठीक है, उसमें आप आसानी से नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, इसीलिए आप लोग को बहुत अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से रिलेटेड, 4 के पावर 40 / 33 है, 4 के पावर 33, 4 के पावर 40 और 33 है, 33 से भाग देना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो सॉल्व कीजिए आप बताइए। देखिए, 4 के पावर 40 / 33 से भाग देंगे जब 33 से, तो बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए, आपको 33 को बांटना है उसके आसपास, तो आप देखेंगे 32 इससे एक छोटी हो जाएगी और 33 से एक बड़ी 34 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर हमको या तो 32 बनाना है या फिर 34 बनाना है, तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वह संख्या। तो 4 के पावर 40 को हम 2 के पावर 2 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 40 को 2 के पावर 2 को 4 लिख दिया मैंने, और 4 के पावर 40 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और अपान में 33। ठीक है, 2 के पावर 2 मतलब 4 और 4 के पावर 40 अपान में 33 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इतना आपको समझ में आया, उसके बाद देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद 2 × 40 इसका मतलब 2 के पावर 80 हो गया, और 2 के पावर 80 अपान में 33। ठीक है, 2 के पावर 2 के पावर 40 है, तो 2 के पावर 80 अपान में 33 लिख सकते हैं। 2 के पावर 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 × 16 लिख सकते हैं, 16 × 25 = 80 होता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, और 2 के पावर 5 जो है वह 32 होता है, 2 के पावर 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा। ठीक है, 2 का 5 बार गुणा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। ठीक है, तो यह हो गया 32, 32 के पावर 16 अब बन गया आपका, यहाँ तक हमको पहुँचना था। ठीक है, अब देखिए यह जो 33 से एक छोटी संख्या थी 32, वह हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, कि हमको करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है उसको जो नीचे भाग देना है जिससे, उसी के आसपास हमको पहुँचना है। तो अब देखिए, हम 32 के पावर 16 / 33 तक पहुँच चुके हैं, अब 32 में हम जब 33 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -1 के पावर में 16। ठीक है, और 33 बचेगा। ठीक है, अब मैंने यह भी बताया हुआ है आपको कि जब -1 के पावर जब 16 है, मतलब माइनस के घात कितना है, सम संख्या है 16 है, तो यह हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1 आएगा, और 1 के पावर कितना आएगा, 33, और जब 1 के पावर 33 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 33 से यह क्या है, छोटा है, और जब छोटे संख्या में जिस भी संख्या से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर वही ऊपर वाली संख्या हो जाती है, तो 1 क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, 7 के पावर 100 / 400 है, तो 7 के पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 × 25, 400 भाग में। ठीक है, उसके बाद 7 के पावर 4 × 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 100 को हम लिख सकते हैं 4 × 25, और 400 से भाग देना है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद 7 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 का मतलब 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, और जब 7 का गुणा 4 बार होगा तो यह 2401 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है 7 के पावर 1 का मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2401। अब यह हो गया आपका 2401 के पावर 25, और 400 तो है ही, 400 से हमको डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो जो 2401 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2400 और प्लस में 1, और अपान में इसको क्या लिख सकते हैं, 400।
अब आप देखेंगे कि यह जो 2400 है यह 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, 2400 400 से पूरी तरीके से कट जाएगा और एक जो है वह नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/400। आया बात समझ में, 1 की घात 25 भी है तो 1 की घात 25 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1, क्योंकि 1/ जब 400 लिखेंगे तो मैंने अभी बताया था कि अगर जिस संख्या में भाग दे रहे हैं अगर वह संख्या उससे छोटी है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। तो 1 क्या आ गया इसका आंसर। आया बात समझ में, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 की घात 102, 3 की घात 102 और 82 है, ठीक है, 3 की घात 102 82 है, इसको हमको बताना है क्या आंसर आएगा। तो 82 के आसपास हम देखेंगे तो एक छोटा 81 और एक बड़ा 83 आ गया। तो ऊपर हमको या तो 81 बना लेना है या फिर 83। तो हम देखेंगे कि 3 की घात अगर कुछ भी है तो 81 बनाना बहुत ही आसान रहता है, 3 की पावर 4 क्या हो जाता है, 81। तो हम वही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए 3 की पावर 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 100 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यह जुड़ के 3 की पावर 102 हो जाएगा और 82 तो है ही, ठीक है। 3 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 100, 3 की पावर 2 जो है वह आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 9 और इंटू 3 की पावर जो 100 था उसको मैंने लिख लिया 3 की पावर 4 × 25, 25 चौका 100। 82 था उसको मैंने 82 रहने दिया, नीचे नहीं कुछ करना है क्योंकि उसी से भाग देना है। अब 3 की पावर जो 4 है वह आपका हो गया 81, 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 और 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 27 दिया 81। तो यह हो गया 81 की पावर 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9/82, ठीक है। अब देखिए जब हम 82 में, जब हम 82 से भाग देंगे 81 में तो यह कितना आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर कितना है 25 और 9 की पावर, पूरे के पावर कितना है, पूरे में कितने भाग देना है, 82 से, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया था, इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब -1 के पावर 25 है मतलब कि -1 ऑड संख्या है, मतलब कि आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, और -1 यहाँ से रिमाइंडर बचा और यहाँ से 9 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा, -9, ठीक है। तो एक तो आंसर यह हो गया -9। अगर आपको आंसर यह नहीं दिया हुआ है विकल्प में, ऑप्शन में यह नहीं है, तो आप पॉजिटिव वाला निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाला निकालने की तरकीब मैंने बताया था, अगर एक निकल गया माइनस वाला तो पॉजिटिव वाला निकालने के लिए जिससे हम भाग दे रहे हैं 82 से भाग दे रहे हैं, 82 में से 9 घटा लीजिए, तो 82 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 73, ठीक है, 73 आ गया आपका, 73 भी एक आंसर हो जाएगा और एक माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं 15 नंबर का, ठीक है, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 15 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कुछ अलग टाइप का है। जैसे 5 की पावर 500/500 है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 5 की पावर 500 है और इंटू 5/500 है, इसका हमको रिमाइंडर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 5/497 और 5/500, तो यह हो जाएगा 497 और 3 आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 3 मतलब 125 और यह 500, जब इसको आप लोग काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसको आप काट सकते हैं, और जब काटेंगे तो 125 से 500 कटेगा तो यह बचेगा आपका 5 की पावर 497/4 बचेगा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब 5 में आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1,
और एक के पावर कितना है 497, और एक के पावर कुछ भी रहे ठीक है तो वह रिमाइंडर कितना देता है एक, ठीक है। और एक के पावर 497 अपान में जब 4 है ठीक है सॉरी तो यह हो गया एक। लेकिन एक यहां से आपका आंसर आया, लेकिन एक आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने 4 से 125 से यहां पर काटा भी तो था, 125 से काटा भी तो था, पहले ही 125 से डिवाइड कर दिया था, इसीलिए एक में 125 से गुणा करके आपका आंसर आएगा, तो 125 यहां से आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, जैसे 65 × 34³ और अपान में 7 है, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जब इसमें आप भाग देंगे तो 7 × 63 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2 और प्लस, जब 34 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, माइनस का 1 आया और माइनस का 1³ = 113 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो प्लस 2 हुआ और माइनस के पावर में अगर ऑड संख्या है तो वह हमेशा माइनस में आएगा ठीक है, और अपान में 7 तो है ही, तो यह कितना हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 1 मतलब 1 अपान में 7 और 1 / 7 मतलब रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 1, आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यह क्वेश्चन जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसी तरीके से है, आप लगा सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से ठीक है, और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 34³ / 9 है क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 आएगा ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 67² + 67 / 68 का शेषफल बताना है, तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जब आप 67 में 68 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 माइनस का 1 क्योंकि एक कम है और इसके पावर 67 हो गया, और प्लस 67 में जब 68 से भाग देंगे तो यह कितना आया, माइनस का 1 ठीक है, और अपान में आपका 68 है, आया बस समझ में। और जब माइनस का 1 है, माइनस के 1 में जब माइनस के पावर अगर ऑड संख्या है तो इसका मतलब यह हमेशा माइनस आएगा ठीक है, और माइनस आएगा तो माइनस का 1, और उसके बाद यहाँ से तो माइनस का 1 पहले से ही था और अपान में 68, तो यह हो गया तुम्हारा माइनस का 2 और अपान में 68। ऊपर जो है 68 से कम है, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए ऑप्शन में माइनस 2 नहीं दिया हुआ है तो 68 में से 2 घटा के हम 66 लिख सकते हैं आंसर, तो 2 आंसर होंगे, एक तो 66 और एक तो माइनस का 2 ठीक है। उसी तरीके से ये सारे भी क्वेश्चन हैं, आप पेन डाउन करते रहिए, मैं बताता रहता हूँ क्वेश्चन, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नोट करते रहिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2² / 256 / 7, इसको आप लोग लगाइएगा। एक क्वेश्चन है 37² / 40 / 16, इसको भी आप लोग लगाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। एक क्वेश्चन है 12² / 10 / 5, इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। 12² / 10 / 5 है तो आप 10 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 10 + 2 / 5, और 5 से 2 1 कट जाएगा और 2² / 5 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 2, बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं ठीक है। और कुछ फार्मूले भी हैं, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लिखते रहिए ठीक है। 17² / 200 / 16, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखेंगे कि 17² / 200 / 16 जब 16 है तो 16 से जब 17 में हम लोग भाग देंगे, जब 16 से 17 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 और प्लस के 1² / 200 है और अपान में कितना है 16, और जब प्लस का 1² / 200 है मतलब इवन संख्या है, प्लस का यहाँ पर अगर साइन है और उस पर कोई भी संख्या रहे, इवन रहे ऑड रहे, हमको कोई मतलब नहीं, यह तो प्लस का 1 ही आएगा ठीक है, और अपान में 16 है।
तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 1। क्यों? क्योंकि जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वह संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ी है, तो इसका मतलब प्लस का 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 के पावर 64 अपान में 26, तो 26 से एक छोटी हम ले लेंगे अगर, तो 25 है और 27 है बड़ी। ठीक है, 1 ऐड करने पर कितना आएगा, 27। तो 27 और 25 के बीच में हमको उसको बनाना रहेगा, या उसी के आसपास बनाना रहेगा ऊपर वाला 5 के पावर 64 को। तो 5 के पावर 64 को आप लोग को पता होगा कि 5 के पावर 2 और इंटू 32 लिख सकते हैं, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया है। उसके बाद 5 के पावर 2 मतलब 25, 5 इंटू 5 25, 25 के पावर 32 अपान में 26 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग 25 में 26 से भाग देंगे तो एक कम है, इसका मतलब माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और अपान में 32 अपान में 26 पावर 32 अपान में 26। और जब माइनस का साइन है और उस पर पावर कितना है, ऑड संख्या है, इसका मतलब कितना आएगा, माइनस में आएगा। इवन है, इवन है, इसका मतलब प्लस में आएगा, और प्लस का 1 अपान में 26, तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। तो प्लस का 1 क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और, अब क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सम्स आ गए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप कैसे करेंगे, 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आप जो शेष बच रहा है, 20 शेष बच रहा है, उसी में 12 से भाग दे देंगे और देखिए कितना शेष बचता है, वही आंसर हो जाएगा। तो 12 का 12, 8 बचा शेष, तो यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे कीजिएगा, इससे आसान कुछ नहीं मेथड है, यह सबसे बेस्ट मेथड है और ये बहुत ही आसान मेथड है। 2 सेकेंड में आप क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। अगर क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर, अंक बदल भी सकते हैं, मान लीजिए इससे भाग देने पर यह शेष बचता है, तो उसी संख्या को किसी और संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा फंडा है कि जो शेष बच रहा है उसी में उस संख्या से भाग देकर हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 20 शेष बच रहा है, तो 20 में किससे भाग देने पर कर रहा है, 12 से, तो 12 से भाग देकर हम निकाल सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, तो 8 क्या आ गया आंसर। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, अगर उस संख्या को दोगुने में 12 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। ठीक है, दोगुना कह दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहला मेथड जो हमने अपनाया था उसी मेथड पे हम लोग करेंगे, बस दोगुना कहा है तो दोगुना हम लोग कर देंगे शेष का। तो शेष कितना था, 20, इसका दोगुना मतलब 40 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 40 में भाग देंगे, किस से, 12 से, तो 12 से जब भाग देंगे तो 12 3 36 हो गया, शेष कितना आया, 4 कितना हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इससे आसान कोई मेथड होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या करना है हमको, देखिए किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, कह रहा है कि उस संख्या को दोगुने में, तो दोगुने में कह रहा है ना, तो वह संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो हमको यह पता है ना कि शेष कितना बच रहा है, तो 20 तो उसी का दोगुना हम लोग कर लेंगे, तो वह मान लीजिए हम संख्या पता चल गई 40। ठीक है, कह रहा है कि 12 से भाग देने पर, तो 12 3 36। ठीक है, कितना आ गया शेष, 4 कितना हो गया आंसर। ऐसे ही आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, अगर उसी संख्या के घन को 12 से भाग देने पर, घन मतलब उसका क्यूब कर देंगे, तो कितना बचेगा, 20 शेष बच रहा है, 20 का क्यूब, तो आप कहेंगे 8000। ठीक है, अब देखिए 8000, अब 8000 में क्या करना है, 12 से भाग देना है, तो कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, 12 25 60 12 6 72, 8 बचा, फिर 12 6 72, 606, फिर 72, 8 बचा, फिर 12 6 72, 8 बचा, 8 शेष बच रहा है।
ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संख्या को 84 से भाग देने पर 14 शेष बचता है? किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 14 शेष बचता है, यदि उस संख्या के 3 गुने में 12 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? इसमें भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे, 14 शेष बच रहा है, कह रहा है उसके 3 गुने में, तो 14 का 3 गुना कितना हो गया 42, ठीक है, और 42 में 12 से भाग देने पर कह रहा है कितना शेष बचेगा, तो इससे हमको नहीं मतलब है, 84 को आप लोग भूल जाइए, ठीक है, 84 से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि 14 से शेष बचता है, तो 14 का 3 गुना हम करेंगे, मतलब वह संख्या कितनी होगी 42, 42 से 12 से भाग देने पर क्या शेष बचा है यही पूछा है, तो 12 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या n को 132 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, तो n स्क्वायर से भाग देने पर शेष क्या होगा? देखिए, n को 132 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, तो n स्क्वायर से भाग देने, देखिए शेष कितना बचा था 10, तो n स्क्वायर से भाग देने पर कह रहा है ना, तो वह संख्या कितनी हो गई, 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। अब 12 से भाग देने पर कह रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 में 12 से भाग देंगे, तो 12 बटे 96, ठीक है, 4 क्या हो गया शेष, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में लगातार 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, 1 और 2 बचता है, अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यह हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग दिया जाता है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि जो भाजक होता है उसमें भागफल जितनी बार भाग जाता है उसका मल्टीप्लाई कर दें और शेषफल को जोड़ दें, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए, किसी संख्या में लगातार 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 1 और 2, अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए, 3 और 5 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, हमको वह संख्या नहीं मालूम है, हमें वह संख्या नहीं मालूम है कि वह संख्या कौन थी जिसमें 3 से भाग दें और 5 से भाग दें तो 1 और 2 शेष बचे। तो देखिए, आपको करना क्या रहता है ऐसे क्वेश्चनों में, आप ऐसा देखिए कि देखिए वह संख्या हमको नहीं मालूम, लेकिन 1 अगर शेष बच रहा है, ठीक है, वह संख्या हमको नहीं मालूम, 3 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, कितनी बार भाग जा रहा है वह हमको नहीं मालूम, ठीक है, वह हमको नहीं मालूम, और प्लस कितना शेष बच रहा है 1 शेष बच रहा है, और बराबर वह संख्या कितनी है 22, ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा तभी तो 22 आएगा, तो इसका मतलब वह संख्या कौन सी थी 22, तभी तो 3 7 21 और 1 कितना बचेगा शेष, और जब 7 आ गया तो 5 से भाग देंगे तो 5 5 शेष कितना आ गया 2, इसका मतलब वह संख्या कौन सी थी 22, और 22 में जब 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20 और 2 कितना आ गया शेष, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 और 2 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है, तो 2 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे और 1 शेष बचेगा तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या हो सकती है 8 3 हो सकती है, और 2 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया कि वह संख्या कौन सी है, मान लीजिए वह संख्या कौन सी है 61 है, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि 2 शेष भी तो बच रहा है, तो 61 मान लीजिए वह संख्या है, तो जब हमने 2 से भाग दिया तो 2 3 30 और 1 कितना बच गया शेष, ऐसे ही वह संख्या जब हमको पता चल गई कि 61 है, तो 61 में अब कह रहा है
कि 15 से भाग दो तो 15 चौका 60 और शेष पर कितना आ गया 1। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि 19897 गुड़े 103 गुड़े 999 गुड़े 902 गुड़े 104 के आखिरी के दो अंक क्या होंगे। आखिरी के दो अंकों की बात कर रहा है, लास्ट टू डिजिट की बात कर रहा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए, जब लास्ट के दो डिजिट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब हम लोग 97 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, अगर लास्ट के दो डिजिट की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टी गुणा भाग कर देंगे इसमें, तो 100 से जब भाग करेंगे तो 198.97 आएगा, ठीक है, और इसमें जब भाग करेंगे तो 1.03 आएगा। पॉइंट लगाकर भी हम लोग कर सकते हैं या फिर हम रिमाइंडर्स थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं अभी। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 19890 और प्लस 7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 19890 प्लस 7 लिख सकते हैं, और यह जो है ये पूरी तरीके से क्या होगा, 10 से कट जाएगा। अगर हम लोग और आगे बढ़ना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 800 प्लस 97 लिख सकते हैं, तो 19800 पूरी तरीके से क्या होगा, 100 से कट जाएगा, ठीक है। 19800 और प्लस 97 अगर हम इसको लिख दें, इस वाली संख्या को, तो यह पूरी तरीके से 100 से कट जाएगा और 97 100 से नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 97 लिख सकते हैं, ठीक है, और गुड़े 103 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 जो है 100 से पूरी तरीके से कट जाएगा और 3 क्या बच जाएगा, बच जाएगा, और गुड़े 900 प्लस 99 लिख सकते हैं, तो 900 जो है 100 से पूरी तरीके से कट जाएगा और 99 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है। अब जब 100 से हमको सब में डिवाइड करना है तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 97 अपान में जब 100 था तो रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 3 था तो माइनस का 3 प्लस का 3 बचेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ से प्लस का 2 प्लस का 4, ये मैंने लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से कितना हुआ 72, ठीक है, 72 अपान में 100, तो 100 से यह संख्या छोटी है, इसका मतलब क्या होगा, 72 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से 72/100 मतलब 72 जो है 100 से छोटा है, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 72, तो इसका आंसर कितना आ गया, 72। अगर माइनस में हमको पता करना है तो माइनस में अगर रिमाइंडर पता करना है, ऑप्शन में अगर माइनस दिया हुआ है तो 100 में से हम 72 अगर घटा लेंगे तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का 28 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अगर 100 बार लिखा हुआ है और उसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, 6 बार अगर लिखा हुआ है तो वह संख्या जो है 7 11 13 37 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के आपको क्वेश्चन दूँ, जैसे 1111 6 बार लिखा हुआ है तो वह संख्या जो है हमेशा 7 से डिवाइड होगी। अगर छोटी संख्या हम लें, जैसे छोटी संख्या 116 बार लिखा हुआ है तो अगर उसको हम 7 से डिवाइड करें तो वह पूरी तरीके से 7 से विभाजित होगी। 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 13 से डिवाइड करें 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 37 से डिवाइड करें तो वह भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम पता करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है
42 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यह ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बोनस होता है, उसको आप आसानी से करके एक नंबर पा सकते हैं। जैसे 65/20, ठीक है, 20 से आपको डिवाइड करना और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो 20 से डायरेक्ट 20 × 60 और 5 आपका रिमाइंडर बच गया। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन रहते तो आप इसको करते कैसे, करते करना क्या है आपको, 65 को आपको तोड़ लेना है। कैसे 65 को आप क्या कर सकते हैं, 60+5 और अपान में 20 लिख सकते हैं। 20 जो है 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और 5 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, 65/20 को यहीं पर आप क्या कीजिए, 5 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 4 आएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। और जब इसको आप 13 को आप, अब छोटी संख्या हो गई तो 13 को आपको आसानी से इसको 12+1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 12+1 अपान में जब 4 लिखेंगे, 4 से 12 को काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, और 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। और जब 1 रिमाइंडर आप लिखेंगे तो 1 आपका आंसर नहीं होगा। 1 क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि आपने शुरू में 5 से इसको काटा था, काट के आप सिंप्लीफाई किए थे, इसको छोटा किए थे, तो 1 में आपको 5 से गुणा भी करना होगा, ठीक है, और वह आ जाके आपका पूरा आंसर होगा, ठीक है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है। उसको मैंने जो 42 नंबर का क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से यह भी लगेगा, तो इसको आप लोग अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 19 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, और उसको 32 से डिवाइड करना और बताना है शेषफल क्या आएगा, ठीक है। यह भी पूरी जो 44 नंबर का क्वेश्चन था उसी तरीके से लगेगा, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 1, 2, 3, 4 45 तक अंक लिखे हुए हैं, 16 से डिवाइड करना और बताना है शेषफल क्या आएगा। तो इसको मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप लोग, 45 तक लिखा हुआ है और 16 डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले देखना है कि कितने ऐसे अंक हैं, 1 से 9 तक आप देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 9 तक हैं, ये सब अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 45 में आप क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 का आधा कितना होता है, 18, 18 में से जब 9 जोड़ेंगे 27 आएगा, ऐसे ऐसे 26, 27, 116 से भाग करेंगे तो 164 आएगा, ठीक है, 164। उसके बाद ऐसे ही 44, 45 में जब 16 से भाग करेंगे तो 277, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 13, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 47 नंबर के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 81 तक अंकों को लिखा हुआ है, उसके बाद 8 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, तो 81 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72, 72 का आधा 36, 36 में 9 जोड़ेंगे, 45 अंक आपको प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब यह जो सीरीज बनी है वह 45 अंकों की सीरीज बनी है, ठीक है, 45 अंकों की सीरीज बनी है। अब 45 अंकों की जब सीरीज बनी है तो 4, 4, 5 में 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40, और 45 फिर से बचेगा और 8 × 5 = 40, 5 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। पॉजिटिव अगर आपको रिमाइंडर लिखना है तो 5 होगा, और अगर आपको निगेटिव में पता करना है तो 8 से आपने डिवाइड किया तो 8 में से 5 घटा दीजिए तो माइनस का 3 आपका निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह सब क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम इस तरीके से लेते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन, 27 के पावर 23 + 19 के पावर 23 किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 21, 22, 23, 24, ठीक है। देखिए इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, आसान मेथड यह है कि 27 के पावर 23 जो है और + 19 के पावर 23, ठीक है, किससे डिवाइड होगा अगर ऐसा पूछा है तो आप 23 से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि पावर जो है 23 है। ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं, तो 23 से मान लीजिए मैंने ऑप्शन सी उठाया, ठीक है, सी, तो 23 से जब आपने 27 के पावर 23 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 23 × 23 और 4 क्या हो गया, रिमाइंडर 4 के पावर 23, ठीक है। और प्लस 19 को जब आपने डिवाइड किया
23 से, तो माइनस का 4 आया, ठीक है। 19 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 4 रिमाइंडर आया, तो माइनस का 4 के पावर 23, प्लस के पावर 4 के पावर 23 और माइनस के पावर माइनस 4 के पावर 23 दोनों कट के कितने हो जाएंगे, 0। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या रहा है, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 23 जो है हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। इसको आप कैसे करते हैं, ऑप्शन आपको चूज करना रहता है और उससे आपको सॉल्व करना रहता है। रिमाइंडर जिसमें 0 आ जाता है वह ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 12 के पावर 92 प्लस 12 अपान में 13, इसको हम लोग करेंगे। तो 12 के पावर 92 में जब 13 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 के पावर 92, और प्लस जब 12 में 92 से भाग करेंगे तो माइनस का 1। इसका मतलब क्या कि माइनस के पावर जब कोई भी सम संख्या रहेगी तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और प्लस माइनस 1, और प्लस और माइनस कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, आप अपने तरीके से करेंगे। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 14 के पावर 68 प्लस 17 और अपान में 15 है, तो 14 में जब 15 से भाग देंगे तो माइनस के पावर माइनस 1 के पावर 68 और प्लस 17 में 15 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। माइनस 1 के पावर 68 जो है यह कितना हो जाएगा आपका, माइनस के पावर जब कोई भी संख्या सम संख्या होती है, 68 क्या है, इवन नंबर है, तो वह कितना आएगा, प्लस का 1 देगा और प्लस का 2 पहले से है, तो यह कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको ऑप्शन 3 नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो 15 से आपको डिवाइड करने को दिया हुआ था, तो आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव संख्या घटा देंगे, तो 15 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका निगेटिव वाला माइनस का 12 रिमाइंडर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 3 नहीं दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 के पावर 25 प्लस 25 अपान में 26, इसको आपको बताना है। तो 25 में 26 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 के पावर में 25 है और प्लस 25 के पावर 26, 25 अपान में 26 है, तो यहां से आपको माइनस का 1 मिला, और अपान में 25 तो है ही, ठीक है, 26 है। अब आप क्या करेंगे, माइनस 1 के पावर में 25 है तो यह कितना होगा, जब कोई भी संख्या माइनस में है उसके पावर में कोई ऑड संख्या है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो वह हमेशा माइनस में देगा, तो माइनस का 1 हो गया आपका, ठीक है। और यहां से आपको माइनस 1 पहले से है तो यह दोनों माइनस मिलकर के माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक तो आंसर आपका यह हो गया, ठीक है, एक आंसर आपका यह हो गया माइनस का 2। अगर मान लीजिए ऑप्शन में यह नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, 26 से भाग देना है तो 26 में से आप माइनस का 2 घटाएंगे, ठीक है, माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मान लीजिए एक ऑप्शन आपको नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्लस वाला भी लिख सकते हैं और दूसरा वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 के पावर 100 अपान में 26, तो 5 के पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपान में क्या लिख सकते हैं इसको, 50, क्योंकि 2 × 50 100 हो जाएगा। अब 5 के स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा आपका, तो 25 के पावर आपका 50 और अपान में आपका 26 दिया हुआ है। अब 25 के पावर 50 और अपान में 26 है, तो जब 26 से 25 में आप डिवाइड करेंगे तो एक आपका कम पड़ेगा, तो कम पड़ेगा मतलब माइनस का 1, ठीक है, रिमाइंडर बचा, माइनस के 1 के पावर में 50 है और अपान में 26 है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, माइनस के 1 के पावर 50 मतलब इवन संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, और जब किसी भी माइनस के पावर में इवन संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो, तो वह हमेशा पॉजिटिव संख्या देती है, मतलब 1 बचेगा, और 1 के अपान में 26 मतलब 26 से भाग देना है एक में, तो एक में 26 से भाग देना है मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, एक, क्योंकि 26 जो है बड़ा है, तो बड़े संख्या से जब छोटे में भाग देंगे तो ऊपर वाली संख्या ही क्या हो जाती है, रिमाइंडर बच जाती है, तो एक इसका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर हमको आंसर पता करना हो तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। 57 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन, और उसके बाद दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।